हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक प्रीति ब्लॉग हल्द्वानी। तो फ्रेंड्स, आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है 7 बजे से। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। तो आज हम लोग कहीं जाने वाले भी हैं, तो मैं भी वो उसे भी अपने ब्लॉग में डालूंगी। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ आज का अपना रूटीन, और हम लोग कहाँ जाने वाले हैं वो मैं आपको आगे को बताऊंगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, ऐसे ही मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। जो लाइक करना, शेयर करना, और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अभी। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने यहाँ पर रख दी है चाय, यहाँ पर रख दिया दूध, और यहाँ पर रख दिया मैंने स्टीमर में सब्जी स्टीम करने के लिए, जिससे जल्दी बन जाएगी। और अब मैं जा रही हूँ आटा गूंदने के लिए। आटा भी मैं छान के ला गई हूँ, और मैं आटे को इसको गूंदती हूँ। अरे यार, पानी लाना तो भूल गई। दोस्तों, हमने खाना पीना तो खा लिया है, और मैं ब्लॉग बना नहीं पाई उस चीज़ का, क्योंकि आज हो रही थी, हमें लेट जाना था, जल्दी जल्दी मैं इसे खा लिया। और अभी किचन ऐसे फैला पड़ा है, तो इसकी होती है क्लोजिंग। इसको क्लोजिंग करते हैं, फिर मैं आप लोग को आगे को मिलती हूँ। तो दोस्तों, काम वाम निपट चुका है, अब हम हो रहे हैं रेडी जाने के लिए। अभी 12 बजने वाला है, तो हम रेडी होने की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, हम बैठ चुके हैं गाड़ी में, और घर पे तो मेरे पास मुझे ज़्यादा समय मिला नहीं वीडियो शूट करने का, इसलिए मैंने गाड़ी में बैठ के वीडियो शूट करना शुरू कर लिया है। और साथ ही साथ सान भी बैठी है आप पे, और अब हम निकल रहे हैं वंशू को छोड़ने के लिए। अभी वंशू बैठा नहीं है, तो जब बैठेगा तो मैं आप लोग को बीच में दिखा दूंगी। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम रेडी होकर निकल गए चुके हैं, क्योंकि ज़्यादा मैंने ब्लॉग तो बनाया नहीं, क्योंकि निकलते हुए इतना समय हो नहीं रहा था। तो इसीलिए जल्दी जल्दी में अब मैंने गाड़ी में ही ब्लॉगिंग करनी शुरू कर दी है। और ये देखो, ये वंश बैठा हुआ है, और हम लोग निकल चुके हैं जेठ जी, जिठानी जी के साथ। और प्रिंस को तो मैं लाई नहीं, क्योंकि वह स्कूल गया हुआ है। और ये है मेरी शन्नू बेबी। ठंड बहुत थी, इसीलिए मैंने इसे जैकेट ही पर डाल दिया, ऐसे ही जल्दी जल्दी में ये सोई हुई थी। और गाड़ी में ही मैंने इसे रेडी किया है, क्योंकि उठी नहीं थी, सोई थी, इसीलिए अब उठ चुकी है। तो अब मैं रेडी कर दिया है, और हम लोग ये निकल चुके हैं, कहीं पहुंच गए हैं। रास्ता पता नहीं कहाँ पर पहुंचे, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और आप लोग मेरे साथ ब्लॉग में बने रहो, देखते रहो। तो दोस्तों, ये है पानी का स्रोत। जब भी हम पहाड़ को ऊपर की साइड में जाते हैं, तो ये पानी के स्रोत से पानी ज़रूर भरते हैं। यहीं पर मंदिर भी है, और यहाँ पर पानी का स्रोत है, बहुत अच्छा पानी होता है यहाँ पर, बहुत मीठा पानी होता है। तो आप लोग भी जरूर टेस्ट कीजिए, आओ। परेशानी अपने पोता के साथ क्या है, बता। बहुत जिद कर रही थी, अब ये बैठ गई है आगे। बाबू एक बार बोल दो, क्या कहानी क्या है, ये एक बार बता दो। बहुत दूर के बच्चे भी हैं क्या बैंड में। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं स्कूल के गेट के यहाँ पर, और यह है सैनिक स्कूल का गेट। और हम आज अंदर ही गाड़ी पार्क करेंगे, तो डायरेक्ट हम मेन गेट से अंदर को जाते हैं। तो यहाँ पर गार्ड है, तो हम यहाँ पर पहले एंट्री करा लेते हैं, उसके बाद हम लोग अंदर एंट्री कर लेंगे। तो फाइनली दोस्तों, अंदर एंट्री हो चुकी है। अब अंदर का मैं आप लोग को पूरा व्यू दिखाऊँगी, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का, एकदम सुनसान सा लग रहा है, क्योंकि बच्चे हैं नहीं, कुछ ही बच्चे आए हुए हैं, आएंगे कल ही। करीब 40-50 बच्चों की एंट्री है आज बस, बाकी सब लोग छुट्टियाँ मना रहे हैं घर पे। और हमारे बच्चे जाएंगे दिल्ली 1 मंथ के लिए, तो हम लोग इन्हें छोड़ने जा रहे हैं। सिर्फ 10 दिन के लिए ही आया हुआ था यहाँ। फाइनली दोस्तों, वंशु जाने लग गया, और हमारे लिए रुक भी नहीं रहा, इतनी जल्दीबाजी हो रही है इसे जाने की। वो देखो, ये चले गया अंदर, हमने इसे छोड़ दिया यहाँ पे। और यहाँ पे शन्नू हमारी अभी शूज पहन रही है, शूज पहने नहीं है, मंशू ने कर ली है अंदर एंट्री। तो दोस्तों, यहाँ पर हो रही है एंट्री, एंट्री गेट है।
दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सैनिक स्कूल और ये बाबा बच्चे खेल रहे हैं। ये वंश यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत कम बच्चे आए हुए हैं क्योंकि सारे बच्चे छुट्टी में हैं। कुछ ही बच्चों को आने को किया गया है क्योंकि ये बच्चे जा रहे हैं हमारे आरडीसी, इसीलिए 10 दिन की छुट्टी इन्हें दी गई थी आरडीसी के लिए। और यहाँ का जो नज़ारा है, जो सीन है ना, बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए तो ये बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे गया है अभी सामान अपना रखने के लिए, तो मैं यहाँ पर अभी ऐसे ही घूम रही हूँ। यहाँ कौन का है? ये है यहाँ का व्यू। हमें इसे आगे को जाने को दे नहीं रहे, तो मैं यहीं से आप लोग को दिखा देती हूँ यहाँ का व्यू। अभी सारे बच्चे छुट्टी में है ना, तो कुछ जो बच्चे आरडीसी जा रहे हैं वही बच्चे आए हुए हैं बस। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, बहुत ठंड लग रही है, सर में चुभ जैसी रही है ठंडी ठंडी हवा। और यहाँ सुवानवी को देखो, क्या खा रही हो? चिप्स खा रही हो? यहाँ को देखो, गप्पे मार रहे हैं, गप्पे सारे बच्चों के पेरेंट्स हैं ना, तो इसलिए गप्पे मार रहे हैं। मेरा यहाँ पर खा रही है और देखो मैं इनके गप्पे दिखाती हूँ आप लोग को। ये कुछ पेरेंट्स ऊपर गए हैं कह रहे हैं, लेकिन हम लोग को तो जाने नहीं दे रहे, बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे। यहाँ का नजारा, शानवी भाग गई है। शानवी, शानवी यहाँ कहाँ जा रही हो? गाड़ी आ रही वहां से, यहाँ आ रहा दादा, आ रहा। पेंटिंग बच्चों ने बनाई है, पेंटिंग सो ब्यूटीफुल। और ये है, और यहाँ से स्कूल के बाहर मंदिर का गेट है। तो ये है दोस्तों स्कूल का गेट, और यहीं पर लिए लिखा है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। और यहाँ से मंदिर जाने का रास्ता बिल्कुल एकदम पास में ही है, ये मंदिर जाने का रास्ता है। और यहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, और शन्नू हमारी यहाँ बैठी हुई है। तो दोस्तों फाइनली बन चुका लास्ट बैग, बजा रही उसको भी लेके जा रहा है। बाय बाय, मैंने खींची उसकी, पंचू की खींची, अपने साथ खींची, तुम्हारे साथ तो खींची। वो देखो दोस्तों चले गया है। शन्नू वहाँ से है, और ये दो बच्चे और जा रहे हैं। तो ये बच्चे भी जाने लग गए हैं अब, कुछ ही बच्चे आए हुए हैं अभी, 40-45 बच्चे ही हैं पूरे स्कूल में। और एक हफ्ते के बाद ये लोग चले जाएंगे दिल्ली 1 मंथ के लिए। आ जाओ आ जाओ, चलो चलेंगे, रोगी आओ आओ। दोस्तों हम भी जा रहे हैं अब अपनी गाड़ी में बैठने के लिए, मंशु को तो विदा कर दिया, अब हम भी जाते हैं। और ये कितनी अच्छी बच्चों ने पेंटिंग बनाई हुई है यहाँ पे, कितना अच्छा सीन है। अच्छे से बैठ जाओ। तो चलो देखो, ठंडा आपको नहीं लग रही ठंडू? तो दोस्तों मैं ज्यादा तो आप लोग को दिखा नहीं पाई, बस थोड़ा थोड़ा ही दिखाया है, ऐसे ही है। अब जब भी अंदर जाने का अगर पेरेंट्स मीटिंग हो गया कुछ होगा, तब मैं आप लोग को दिखा सकती हूँ। अभी आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।